हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन लिमिट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन लास्ट जो हमारा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बच जाता है, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ये तीनों इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की को सॉल्व करने की तरीके को देखेंगे और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी से, उसके देखेंगे कि किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए इफेक्ट एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स दिया गया है हमारे पास लिमिट, ठीक है। और वो उसका जो आप अगर एक्स को ए पुट कर देते हैं यहाँ पे, और हमारा जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हम लोग जो बता पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी जो है हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल्स ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो बोला गया है कि जब भी अपन कोई लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया, अगर आप उसमें एक्स की जगह जो भी हमारा लिमिट जो है अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू अगर पुट कर दें और हमारा जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वो जो लिमिट हमें दिया गया है उसको हम अपन इस फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या लिखा गया है, ई की पावर हमें लिखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए वही एक्सटेंडिंग टू ए ही रहेगा, और ये जो जी एक्स है जो कि पावर में था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यानी कि एफ एक्स से हमें माइनस वन करना है और मल्टीप्लाई कर देना है ये पावर को, ठीक है। तो इसी इसी को ध्यान रखना हमें और इन्हीं इन्हीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लें, दिया गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो आप सबसे पहले क्या पुट करेंगे, पहले इंडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करेंगे कि कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करें तो ये तो नीचे में हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/0, यानी कि हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो हमारा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हमने पता कर लिया कि 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो अब जब पता कर लिया अपन 1 की पावर इन्फिनिटी है तो हमें पता है क्या करना है, 1 की पावर इन्फिनिटी अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म रहा तो अपन को ये जो लिमिट है उसे इस तरह से लिखना है। तो अपन लिख देंगे इसे, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा, ये ई की पावर, ठीक है, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही रहेगा, ठीक है, जो लिमिट यहाँ पे था वही लिमिट यहाँ रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स क्या है, ये 1 बाई एक्स, तो इसे मल्टीप्लाई में करना है, तो ये 1 बाई एक्स, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1, क्लियर है, वही चीज़ को अपन ने यहाँ पे लिखा है। तो अब ये हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये 1 बाई एक्स है और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स बच गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, एक्स को एक्स से कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा क्या बच गया, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और ऊपर में हमारा जो है कॉन्स्टेंट टर्म 1 बच गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर 1, डैट इक्वल्स ई के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा ई इक्वल आ गया आंसर, ठीक है। अब इन पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 और उसके पावर में है 2 बाई एक्स। तो अपन पहले क्या चेक करेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा हो रहा है। तो एक्स को अगर 0 रखें तो ये हो जाएगा ए की पावर 0, डेट इज 1, बी की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा और सी की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया, 3 आ गया, 3 अपॉन 3 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और अगर पावर में देखें तो 0 रखें एक्स की जगह तो ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। हमें 1 की पावर इनडिटर्मिनेंट इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मालूम चल गया। अब अपन क्या करेंगे, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स, जी एक्स यहाँ पे क्या है 2 बाई एक्स, उसके बाद एफ एक्स, एफ एक्स है ये ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 और माइनस ऑफ 1, क्लियर है, इतना अपन लिख लेंगे। उसके बाद ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये तो 2 बाई एक्स ही रहेगा और इसे देखें तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स माइनस ऑफ 3, ठीक है, कुछ नहीं किया बस एलसीएम लिया हमने। तो अब आगे नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन सा है, एक हमारे पास 2 है और एक 3 है, तो अपन इसे बाहर निकाल लेते हैं 2 बाई 3, ठीक है, इसे बाहर निकाल लिए। अब बचा क्या अंदर में, ये ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स सी की पावर एक्स है और माइनस 3 है, तो अपन इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स।
तो आप ध्यान से देखिए, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x माइनस वन प्लस बी की पावर x माइनस वन प्लस सी की पावर x माइनस वन, ठीक है, सब के साथ एक एक वन दे दिया अपन, थ्री माइनस थ्री था तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है। ये अपन ने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। ये हो गया फिर e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इसको अपन क्या करेंगे, तीनों टर्म को अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि a की पावर x माइनस वन अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस वन अपॉन x प्लस c की पावर x माइनस वन अपॉन x। आ रही है बात समझ में? तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, और ये हमारा अब एक एक करके अपन लिमिट सॉल्व करें इन तीनों को, तो अपन क्या हो जाएगा, a की पावर जीरो हो रहा है, ठीक है, जीरो अपन जीरो बन रहा है। तो अपन यहाँ यूज करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट का, ये क्या है a की पावर x माइनस वन अपॉन x, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो हो रहा है और ये जीरो हो रहा है, यानी कि अपन यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये ln a के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, आ रही है बात समझ में? उसी तरीके से ये हो जाएगा ln b के इक्वल और ये हो जाएगा ln c के इक्वल। तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू बाई थ्री, ये हो जाएगा ln a प्लस ln b प्लस ln c, क्लियर है। तो अब ln a प्लस ln b प्लस ln c लिखा हुआ है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू बाई थ्री, इसे अपन लिख सकते हैं ln ऑफ a b c, ठीक है। यहाँ प्लस हो रहा था तो उसे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में क्लब कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, तो लिमिट कुछ भी रहे वो कांस्टेंट टर्म ही उसकी वैल्यू आने वाली है। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर लिमिट, लिमिट तो हट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 2 बाई थ्री ln ऑफ a b c, ठीक है। तो अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर ln ऑफ a b c की पावर 2 बाई थ्री, क्या लिख सकते हैं ये, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बाई थ्री सामने में था, इसे पावर में लेके चले गए, ln के लॉग के प्रॉपर्टीज में अपन ये सब देखे हुए हैं बात। और अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस क्या है, e है, तो ये अपन ये भी अपन लॉग की प्रॉपर्टी में देखें, ये हो जाएगा ए बी सी की पावर 2 बाई थ्री के इक्वल, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स एलन ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर की होल पावर वन बाई एक्स, ठीक है, और ये इक्वल दिया गया है हमारे पास टू बी साइन स्क्वायर थीटा के, क्लियर है, और बी ग्रेटर देन जीरो दिया गया, तो बोला गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो लिमिट की वैल्यू हमें दी गई है, तो हमें बोला है कि थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये बी में है, ठीक है, और ये भी बी में है, तो यानी कि यहाँ इस लिमिट को अगर सॉल्व करें अपन, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो इसके इक्वल होगी, और फिर तभी जाकर अपन थीटा की वैल्यू को पता कर पाएंगे। तो अपन ये लिमिट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स को जीरो रखें तो कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो x को जीरो रखें तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, और यहाँ बचा क्या वन, और ऊपर में यहाँ पे रखें जीरो, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, यानी कि वन की पावर इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। तो वन की पावर इन्फिनिटी हो रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे हमें पता ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स, जी एक्स क्या है वन अपॉन एक्स, और फिर एफ एक्स, एफ एक्स है वन प्लस एक्स एल एन ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ वन, तो ये हो गया माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा ये एक्स एल एन ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, अब बचा क्या ln ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है और उस पर कोई भी लिमिट रहे वही टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर ln ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये ln है, इसका बेस e है, तो अपन इसे 1 प्लस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, 2 बी साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इक्वेट कर देते हैं 2 बी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ तो आप बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और बी भी हमारा अननोन है, तो फिर क्या करेंगे, कोई नहीं, बी से सबसे पहले यहाँ डिवाइड करते हैं, बी से अगर डिवाइड करें ये बी से, तो क्या होगा ये वन अपॉन बी प्लस बी, क्लियर है, बी से डिवाइड कर रहे हैं वन अपॉन बी, और बी स्क्वायर अपॉन बी इज बी, डैट इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, आ रही है बात समझ में। अब अपन यहाँ से थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा आ गया b प्लस वन अपॉन बी, और यहाँ दिया गया है b हमेशा पॉजिटिव है, तो हमने FOM में एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है, एक रिजल्ट की तरह भी याद रखा था इसे और प्रूव भी किया था, अगर b ग्रेटर देन जीरो है तो b प्लस वन अपॉन बी
जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अगर b पॉजिटिव है तो b प्लस 1 बाई बी 2 या 2 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पे b प्लस 1 बाई बी किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इक्वल है, यानी कि ये 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा या तो मिनिमम 0 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसे, ये पूरा जो टर्म है इसे 2 होना होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ, ये पूरा जो टर्म है ये 2 होना होगा। ठीक है, तो ये 2 कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो। क्लियर है, तो अब अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है तो यहाँ से अपन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल, प्लस माइनस 1 के इक्वल हो गया। तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा हम अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में अपने ये सारे सवाल किए हुए हैं। तो थीटा हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 या फिर 4n माइनस 1 पाई बाय 2। क्लियर है, ये हमारा इस थीटा की वैल्यू के लिए हमारा साइन थीटा जो है प्लस 1 आता है और इस थीटा के वैल्यू के लिए माइनस 1 आता है। ये सारी बातें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाले लेक्चर में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए तो बहुत कम ही दिया जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दे दिया गया 1 की पावर इन्फिनिटी का, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आगे सॉल्व होता नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अलग करके देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 की पावर x। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किए, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किए, तो ये तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, और ऊपर में x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये सबसे पहले हमारा बन रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर सॉल्व करें x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 को लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, तो क्या करेंगे, हाइएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में है x का, उससे डिवाइड करेंगे। तो क्या है पावर, हाइएस्ट x है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन x। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, ये आपको दिखाना नहीं है, ये आप मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू जो आ गई 1 आ गई, और यहाँ पे x जो है इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो कुछ इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अपन भी इसे 1 की पावर इन्फिनिटी की तरह ही अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहीं से अब आगे सॉल्व करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जी एक्स यानी कि x इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, माइनस ऑफ 1। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, एलसीएम लिया x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू, ये क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन x माइनस 3 के इक्वल। ठीक है, तो अब ये ऊपर में कौन सा e की पावर में कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, फिर से कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी रखें तो ये इन्फिनिटी और नीचे में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी का बन रहा है, तो कोई नहीं, अपन को सॉल्व करना आता है इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अपन क्या करेंगे, हाइएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, x का हाइएस्ट पावर देखेंगे क्या है डिनोमिनेटर में, 1 के इक्वल है, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करें ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है, तो डिवाइड करें तो ऊपर डिवाइड किए तो ये हो गया 4। ठीक है, अपॉन नीचे में क्या हो गया 1 माइनस 3 अपॉन x। ठीक है, ये 4x था तो डिवाइड किया x से तो 4 बचा, और नीचे को डिवाइड किए तो x अपॉन x 1 आ गया और माइनस 3 अपॉन x। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा e की पावर 4। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा था, आपको बस देखना है 1 के इक्वल आ रही है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे आपको बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। तो अपन देखते हैं जब भी ऐसा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हमें मिले तो क्या करेंगे,
तो जब ऐसा हमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिले तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट रहेगा उसे अपन इक्वल कर देंगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, जैसा कि अपन ने 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए देखा, वहाँ भी कुछ ऐसे ही अपन कन्वर्ट करते थे, यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बस फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ है जी एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स और उधर था हमारे पास जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और यही फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो आप देखें यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 0 हमारा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो अब आगे हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, बस ये फॉर्मूला को लगाएंगे, जी एक्स, जी एक्स क्या है x, इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स, एल एन ऑफ एफ एक्स क्या है x। तो हमारे पास क्या हो गया, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स एल एन एक्स। क्लियर है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये लिमिट कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखें एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के लिए ये तो 0 हो जाएगा, और एल एन 0 प्लस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, यानी कि तो ये हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन e की पावर लिमिट, ठीक है, यहाँ पे x को अपन एज्यूम कर लेंगे, x को एज्यूम करेंगे e की पावर माइनस टी, x को एज्यूम किया हमने e की पावर माइनस टी, यानी कि x इक्वल्स e की पावर 1 अपॉन e की पावर टी। ठीक है, तो जब अपन x को e की पावर माइनस टी एज्यूम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, t का लिमिट लगेगा। तो अब t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, हमारे पास t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। आप जब देखें यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर इन्फाइनाइट हो तभी जाकर हमारा x जो है 0 प्लस को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो t इन्फिनिटी को अब अप्रोच कर रहा है, तो x को अपन लिख रहे हैं e की पावर माइनस टी, और ln ऑफ x फिर से हो जाएगा e की पावर माइनस टी। ठीक है, तो ये हो गया e लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया e की पावर माइनस टी, और ये क्या हो गया, बेस इसका e है और यहाँ पे जो हमारा e की पावर माइनस टी है, तो क्या होगा, ये माइनस टी सामने आ जाएगा और ln e अपॉन ln e टू द बेस e क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे बस माइनस टी। क्लियर है, तो ये हो गया e की पावर लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख दिए, और ये हो जाएगा t अपॉन e की पावर t। ध्यान से देखें ये क्या t अपॉन e की पावर t लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा रिकॉल करें अपन, पिछले लेक्चर में हमने, पिछले लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अपन देखा था कि x लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर n अपॉन e की पावर x, ठीक है, सॉरी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x अगर है तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा 0 के इक्वल होता है। क्लियर है, ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x अगर है तो वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखें लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी t की पावर 1 अपॉन e की पावर t, तो बिल्कुल इसी तरीके से है, तो अपन इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0, तो ये क्या हो गया, 1 के इक्वल आ गया, e की पावर 0 इज 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसलिए अपन ने यहाँ x को e की पावर माइनस t माना, और यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस t मांगा, ताकि ये ln वाला टर्म जो है हमारा हट जाए और अपन आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो लिमिट यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, तो अगर x को 0 पुट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट करें तो साइन 0 इज 0, और यहाँ पे 0 रखें तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये क्या कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, 0 की पावर कुछ भी आप कोई भी नंबर रखें वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, तो हमें लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 0 के इक्वल होगी, क्योंकि 0 की पावर कोई भी नंबर है वो 0 के इक्वल ही होने वाली है। ठीक है, ये तो 0 हो गया, अब इसे बात कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, और साइन 0 इज 0, यानी क्या हो गया, इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये क्या इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, हाँ है। ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन x की पावर साइन x। ठीक है, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया है तो अपन को लिमिट सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है, 0 के इक्वल लिख दिया अपन, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूला मालूम है लगाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस
जी एक्स, जी एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू एल एन ऑफ वन बाई एक्स, एल एन ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है, यही लिखना था हमें। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस है, ठीक है, और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, साइन एक्स इंटू एल एन ऑफ वन बाई एक्स, ये क्या होगा, साइन जीरो इज जीरो हो जाएगा, और एल एन ऑफ वन अपॉन जीरो प्लस, तो वन अपॉन जीरो प्लस क्या होगा, इन्फिनिटी, एल एन ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये साइन एक्स है और एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो क्या अपन यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हमें पता है अगर साइन एक्स अपॉन एक्स रहा तो अपन कर सकते हैं, तो एक्स से डिवाइड किए तो एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी, तो अपन इसे वन के इक्वल लिख दे रहे हैं, और ये हमारे पास बच जाएगा एक्स एल एन ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है, और ये बात समझ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, एक्स एल एन ऑफ वन बाई एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एल एन ऑफ वन बाई एक्स अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, वन बाई एक्स, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई में था इसे डिनोमिनेटर में ले आए, वन बाई एक्स लिख दिए, ठीक है। तो अब हमें फिर से रिकॉल करना है, अपन को एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है, क्या पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एल एन एक्स अपॉन एक्स जीरो के इक्वल, क्लियर है, तो ये लिमिट हमें पता है। तो आप देखें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जो टर्म है कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अपन यहाँ पे एल एन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स तो है, ठीक है, तो बस हमें पता कर लेना है कि एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या एफ एक्स जो है वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अपन डायरेक्ट उसकी वैल्यू को जीरो लिख सकते हैं। तो अब देखें एक्सटेंडिंग टू जीरो पे वन अपॉन एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, और यहाँ पे देखें वन अपॉन एक्स ये भी इन्फिनिटी को, ठीक है, ठीक है, ये प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड लिमिट था उसमें भी यही कहता है हमें कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये अप्रोच कर रहा है तो अपन यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे, जीरो के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर जीरो डैट इक्वल्स वन, ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। आप यहाँ पे अगर इस तरीके से नहीं कर पाते तो आप x को e की पावर माइनस टी एज्यूम कर लेते और फिर पिछले क्वेश्चन जैसा ही आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस सेक एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पाई बाई टू यहाँ पर रख लेते हैं, तो सेक पाई बाई टू किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी के इक्वल हो गया, और कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर जीरो, तो कोई नहीं, अपन यहाँ इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस क्या होता है, जी एक्स, जी एक्स यहाँ क्या है, कॉस एक्स, और इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स, एल एन ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एल एन ऑफ सेक एक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं अपन, नीचे में लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिनोमिनेटर में ले आए और वन अपॉन कॉस एक्स लिख दी, लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस ये हो जाएगा एल एन ऑफ सेक एक्स अपॉन सेक एक्स, क्लियर है। तो अब देखिए x पाई बाई टू माइनस को अप्रोच कर रहा है, यानी कि सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी हो गया, तो ये हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो बस यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ करेंगे अपन, हमें पता है एल एन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स रहा है, और एक्सटेंडिंग टू ए के लिए एफ एक्स हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा वो जो लिमिट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो बस उसी लिमिट का यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर लिख देंगे e की पावर जीरो, ये पूरा टर्म जो है हमारा क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, तो ये हमारा वन इक्वल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एल्जेब्रिक टर्म ही रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन दोनों स्टैंडर्ड लिमिट को हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है, कभी भी यूज आ सकती है, खासकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने पूरा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।